राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर अजमेर बीजेपी की ओर से विरोध मार्च निकालते हुए 12 सूत्रीय मुद्दों को लेकर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बीजेपी ने नारा दिया कि सरकार के 2 साल जनता बेहाल, नेता अधिकारी मालामाल। इस मुद्दे को लेकर तमाम कार्यकर्ता सरकार के 2 साल के कार्यकाल को कटघरे में खड़ा करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष रमेश सोनी ने बताया कि सरकार अपने 2 साल के कार्यकाल पर वाहवाही लूट रही है, लेकिन जनता परेशान है और सरकार ने 2 साल पहले जो वादे किए थे उनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ है। एक तरफ तो सरकार किसानों की बातें कर रही है, वहीं किसानों व युवाओं से किए गए वादे को पूरा नहीं किया गया। प्रदेश की कानून व्यवस्था का हाल खराब है। लगातार राजस्थान में भ्रष्टाचार की खबरें भी सामने आ रही है। रोजगार की कोई अवसर सरकार द्वारा सृजित नहीं किए गए। राजस्थान में महंगाई भी चरम पर है, बिजली के दामों में भी बढ़ोतरी की गई है। इन सभी मुद्दों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी बजरंग मंडल की ओर से विरोध प्रदर्शन करते हुए 12 सूत्रीय मुद्दों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है और सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है, जिससे कि वह आम जनता को राहत प्रदान करें, अन्यथा जनता सरकार को जल्दी जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी बजरंग मंडल के हमारे अध्यक्ष भाई महेंद्र जी यादव और हमारे जिला मंत्री राजेश शर्मा के नेतृत्व में आज ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय राज्यपाल महोदय को जिलाधीश महोदय के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जिस प्रकार से राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार अपने 2 वर्ष पूर्ण होने पर जिस प्रकार का जश्न और अपनी पीठ पर शाबाशी थपथपा रही है, हम उनको ये आईना दिखाना है जनता के माध्यम से कि वो हर मोर्चे पर विफल रही है। उनका चाहे प्रबंधन की बात करें, चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, वो हर मोर्चे पर बिल्कुल नकारा सिद्ध हुई है। जिस प्रकार से 2018 के विधानसभा चुनाव में इस सरकार ने, इस कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से किसानों के साथ छलावा किया, उनका कर्ज माफी की घोषणा करके और वो सरकार के अंदर सत्तानित हुए, जिस प्रकार से वो बेरोजगारों को जिन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर उस समय घोषणा की थी, आज यदि हम धरातल पर देखें तो न तो किसानों का कर्जा माफ हुआ, न जो बेरोजगार थे उनको बेरोजगारी भत्ता मिला। इसके विपरीत जहां एक और युवाओं के लिए 36,000 जो रोजगार के पत्ते, उन्हें भी इस सरकार ने समाप्त कर दिया। यदि आज हम बात करें, एक सामान्य व्यक्ति जो आम शहरी है उसकी बात करें, तो जिस प्रकार से आज विद्युत की दरों के अंदर एक बढ़ोतरी लगातार हो रही है, आज आम आदमी का बिजली का बिल भरना बड़ा दुर्भर हो चुका है। इस प्रकार से यदि हम आज पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बात करें, तो जिस प्रकार से हमारी मातृशक्ति महिलाओं और बच्चों के साथ, छोटी छोटी बच्चों के साथ जिस प्रकार के दुष्कर्म के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो अलवर का केस हो, थानागाजी का केस हो, सरदार शहर का केस हो, टोंक का केस हो, हर जिले के अंदर लगातार महिलाओं पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार, आदिवासियों के साथ अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। जहाँ दूसरी ओर हम बात करें, आज ये पूरी सरकार की जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के अंदर आकंठ डूबे हुए हैं, हमने हाल ही में देखा कि विगत 3 दिन पूर्व इसी सरकार के अंदर एक जिलाधीश महोदय इंद्रजीत सिंह को सरकार ने ECD के चक्कर में, भ्रष्टाचार के चक्कर में गिरफ्तार किया। पूर्ण रूप से इस विफल सरकार को हम जनता के माध्यम से चेताने आए हैं कि जिस प्रकार की ये बातें करके सत्ता में आई, जिस प्रकार से इसको राजधर्म का पालन करना चाहता, ये राजधर्म का पालन नहीं कर रही है, जनता के हितों में बिल्कुल नहीं जा रही है, और निश्चित रूप से इसके परिणाम बहुत जो है भविष्य के अंदर बहुत दुर्भर होने जा रहे हैं सरकार के लिए, क्योंकि आम जनता सड़कों पर आने वाली है। आज राजस्थान की कांग्रेस सरकार की 2 साल की विफलता को लेकर अजमेर कलेक्ट्रेट पर हमने प्रदर्शन किया है। जिस प्रकार सरकार 2 साल से पूरी जनता बेहाल है, सरकार ने अपनी सरकार को बचाने के लिए चाहे होटलों में जाकर अपनी सरकार बचाई है, मगर जनता की ओर एक प्रतिशत भी ध्यान नहीं दिया। आप देखो, युवा त्रस्त है। युवाओं को जो इन्होंने घोषणा पत्र में कहा था रोजगार भत्ता दिया जाएगा, वो युवाओं को रोजगार भत्ते से जूझ रहे, साथ ही साथ किसानों को कर्ज माफी की जो वादा किया था वो भी है, इन्होंने पूरा नहीं किया। सरकार का जो मुख्यमंत्री है वो खुद के स्वयं के उप मुख्यमंत्री को निकम्मा नकारा जैसे शब्दों को, सिर्फ खुद की सरकार को बचाने के लिए ऐसे शब्दों का उच्चारण करने वाला ऐसे मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस सरकार तुरंत प्रभाव से जनता की हालत को ध्यान में रखते हुए सरकार को तुरंत प्रभाव इस्तीफा दे देना चाहिए। और जिस प्रकार जनता आज जूझ रही है, चाहे वो बिजली की अगर अपन दरों की बात करें, चाहे पानी की समस्या, जो मूलभूत समस्या है उनको भी पूरा नहीं किया जा रहा, तो ऐसी निष्क्रिय नकारा सरकार को जल्द से जल्द इस्तीफा देकर जनता के बीच आकर अपनी माफी मांग लेना चाहिए। चूंकि जो घोषणा पत्र में जितने भी वादे किए थे उसमें एक भी ऐसा कोई वादा नहीं है जो उन्होंने पूरा किया हो। चाहे अगर अपन बात करें कि रोजगार की बात करें, तो उन्होंने जो भर्ती है आज जाकर हाईकोर्ट में जाकर अटक जाती है,
और युवा जो है वो त्रस्त है कहीं ना कहीं। एक भर्ती 5-5 साल में, आज भी अगर अपन बात करें आरएएस जो मेंस भर्ती है 5 साल हो गए अभी तक पूरी नहीं हो पा रही, तो ऐसी निष्क्रिय नकारा सरकार को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। राजीव भारद पकड़ू।